आज की हमारी रेसिपी है खोया के लड्डू यानी मावा लड्डू। ये लड्डू बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। खोया के लड्डू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे। अभी हम गैस को ऑन कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 कटोरी खोया। खोया को मैंने कद्दूकस कर लिया था। इसे हमें धीमी गैस पे ही 5 से 7 मिनट तक भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना इसे। ये खोया के लड्डू बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं खोया भूनते हुए। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। खोया को देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ये हल्का ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर यानी पीसी हुई शक्कर। आधी कटोरी पीसी हुई शक्कर ली है, जितना हमारा खोया था उससे आधी मैंने पाउडर शुगर ली है। आप मीठा अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं। और अब डालेंगे इलायची पाउडर। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण देखिए हमारा तैयार है लड्डू बनाने के लिए। अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप छोटा या बड़ा अपने पसंद से बना सकते हैं। लड्डू देखिए हमारा तैयार है। इसी तरह हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए खोया लड्डू तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं लड्डू। आप इस रेसिपी को बना के देखिए। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।